और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उन घोटालों की जो छत्तीसगढ़ से अब दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा गया है। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने हमला बोला, छत्तीसगढ़ सीएम की वजह से कांग्रेस चल रही है, ये कहना है दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल का। उन्होंने कहा कि हर महीने पहुंचता है पैसा, शराब, रेत, कोयला और गोबर घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि छत्तीसगढ़ में हर योजना में घोटाला हुआ है। तो दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा, हमला बोलते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सीएम की वजह से कांग्रेस चल रही है और हर महीने पैसा पहुंचता है। हर महीने पैसा पहुंचता है, कांग्रेस कमेटी अगर चल रही है तो वहां के मुख्यमंत्री के बदौलत चल रही है। शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, कोयला में घोटाला, मुरम में घोटाला, सीमेंट में घोटाला, क्या क्या घोटाला नहीं, डीएमएफ के फंड में घोटाला। और ये भी बता दूं, वहां पर पहले तो चारा घोटाला हुआ करता था सभापति महोदय, अब तो गोबर घोटाला भी हो गया, गौमूत्र में भी घोटाला हो गया, गोबर खरीद रहा हूं करके वाहवाही लूट रहे, पूरे विश्व में नंबर वन है। हमारे छत्तीसगढ़ में किथन वो हमारे कका है और सब लोग ठगा है। और चलिए और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, घोटाले के आरोप तो अक्सर लगते आए हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से विजय बघेल जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सीएम की वजह से कांग्रेस चलती है और हर महीने पैसा भी पहुंचता है, इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, आपको बताना चाहूंगा रितु जी कि विजय बघेल है कौन, पहले ये जानना जरूरी। विजय बघेल है भूपेश बघेल के भतीजे। भूपेश बघेल जो है वो चाचा लगते हैं और विजय बघेल भतीजे लगते हैं और दोनों परंपरागत एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी हैं। पाटन में भारतीय जनता पार्टी से विधायक का जो उम्मीदवार रहते हैं वो विजय बघेल रहते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल रहते हैं। पिछले चुनाव में बस ये नहीं हुआ है, उसके पहले के हर चुनाव में हमने देखा है। 2008 में भूपेश बघेल को उन्होंने हराया भी था पाटन विधानसभा में। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जवाबदारी उनको इस चुनाव के लिए सौंपी है, ऐसे में निश्चित तौर पर वो अपने एक तो ओबीसी चेहरा है और बड़ा ओबीसी चेहरा होने के नाते वो लोकसभा में जो कि निश्चित तौर पर देश की संसद है और वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दुर्ग लोकसभा का, वहां पर ये बात करने का मतलब यही है कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार को घेरना, कोयले का मामला उठाने, शराब का मामला उठाने, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर वो घेरने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त है और टॉप मोस्ट से लेकर नीचे तक मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसी सरकार को छत्तीसगढ़ में आईना भी दिखाना चाह रहे हैं और देश में भी आईना दिखाना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि वो जिस जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां सब कुछ भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि आदित्य जी जिस तरह से ये बड़े आरोप हमेशा से लगते आए हैं और अभी आरोप क्योंकि संसद तक पहुंच गए हैं, वहां जिस तरह से आरोप लगाए गए, अब ये आरोप कहां तक पहुंचेंगे, इस पर बयानबाजी कहां तक होगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हर योजना में छत्तीसगढ़ में घोटाला हो रहा है, ये कहना है बीजेपी सांसद विजय बघेल का। उन्होंने संसद में बात कही और छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें दुर्ग से बीजेपी के सांसद हैं विजय बघेल, हमला बोलते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सीएम की वजह से ही कांग्रेस चल रही है और हर महीने पैसा भी पहुंचता है। साथ ही जो बड़े आरोप लगाए, कहा गया है कि शराब, रेत, कोयला और गोबर घोटाला छत्तीसगढ़ में होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर योजना में घोटाला है। देखिए, लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। दुर्ग से हैं बीजेपी सांसद विजय बघेल जिन्होंने हमला बोला। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हर योजना में छत्तीसगढ़ में घोटाला हो रहा है और किसानों की स्थिति दयनीय और दर्दनीय हो गई है।